एक और बड़ी खबर, हुती पर हमला, ईरानी खतरे पर अटैक। और हुती पर हमलों में अमेरिका के साथ ब्रिटेन है, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप है हुती। और ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की तरफ से किए जा रहे इस बड़े दावे को देखते हुए ये खबर अब आपके सामने, जहां देखिए हुती पर अटैक की तस्वीरें तो जारी की जा रही है, लेकिन ईरान से यूएस और ब्रिटेन के युद्ध को लेकर बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार युद्ध को अंजाम, युद्ध और ज्यादा एग्रवेट होता जा रहा है, यमन में बढ़ते बिगड़ते हालात और वहां पर अब हुती पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि ये बड़ी खबर सामने आई है जहां ब्रिटेन और यूएस लगातार हुती पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं, और हुती पर हमलों में अमेरिका के साथ ब्रिटेन है। हुती पर हवाई हमलों का मतलब ईरान पर हमला, और हुती पर हमला बड़ी रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जहां हुती को ईरान से फंडिंग और हथियार तो सप्लाई होते हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर करता है इसको कंट्रोल, और ईरान की सहमति के बिना हुती हमले नहीं कर सकता है। हालांकि 7 अक्टूबर के बाद ईरान ने हुती को एक्टिव किया है, और अब जो दावे द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के आधार पर किए जा रहे हैं, एक क्विक सवाल विनोद सर आपसे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसे कहना गलत नहीं होगा, जहां ईरान और हुती जिस तरीके से हमलों को अंजाम देते जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, ईरान के ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी शिया मिलिशिया हो वो आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि शिया मिलिशिया जहां भी हैं, पाकिस्तान में हों या फिर यमन में हों या जा कहीं भी हों, उनका ईरान एक तरह से एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है शिया दुनिया भर के शियाज में, भारत के भी। तो आपको ये समझना जरूरी है, वो आर्थिक मदद के साथ साथ उनको पैसे का मदद भी करता है और इंटेलिजेंस का भी मदद करता है, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया जो 2-3 अटैक्स जो हुए हैं। बट इनका देखिए, ये तो आपस में भी लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। सर आपकी आवाज अभी चली गई है, जल्द आपके पास वापस लौटती हूं, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख, जहां ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर की वार्निंग दी है, और ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ने वर्ल्ड वॉर की दी है चेतावनी। आपको बता दें, चीन रूस ईरान के खिलाफ हो सकता है विश्व युद्ध, ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट जॉब्स के हवाले से फॉक्स न्यूज का ये दावा, और ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है, प्री वॉर फेज से बताया जा रहा है, और आने वाले 5 साल को देखते हुए ये सबसे बड़ा बयान दिया गया है। तो वर्ल्ड वॉर की वार्निंग को देखते हुए ये बड़ी खबर, जहां ग्रांट जॉब्स का ये बयान, दुनिया प्री वर्ल्ड वॉर फेज में है, 5 साल के अंदर हो सकता है विश्व युद्ध, दुनिया की बड़ी और उभरती शक्तियों के बीच जंग का ये दावा किया जा रहा है। तो दुनिया प्री वर्ल्ड वॉर फेज में है और 5 साल के अंदर हो सकता है विश्व युद्ध, चीन रूस ईरान के खिलाफ विश्व युद्ध का ये संकेत दे रहे हैं, और ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ग्रांट जॉब्स ने ये बड़ी चेतावनी दी है। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप भड़का रहे हैं संघर्ष, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ये बड़ा दावा। और अब फारस की खाड़ी में ब्रिटिश वॉरशिप की टक्कर को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां आपको बता दें बहरेन में टकराई 2 ब्रिटिश माइनस्वीपर, डॉकिंग के दौरान ब्रिटिश शिप में टक्कर को लेकर खबर आई है, टक्कर में एक शिप को नुकसान भी पहुंचा है, रॉयल नेवी ने टक्कर की जांच शुरू कर दी है। अब एक और बड़ी खबर का रुख करने से पहले देखिए किस तरीके से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की चर्चा हमने की है, लेकिन अब लेबनान से जंग, और इजराइल ने दिया है काउंटडाउन, क्योंकि आईडीएफ का लेबनान में विध्वंसक पलटवार, खबर आई हिजबुल्ला के लॉन्च सेंटर को तबाह करने को लेकर, हिजबुल्ला की पोस्ट पर बॉम्ब बरसाए गए हैं, आयरन डोम एयर डिफेंस ने ड्रोन मार गिराया है, हिजबुल्ला ने ड्रोन अटैक किया। और इसराइल ने हिजबुल्ला को विध्वंसक धमकी दी है, जहां इजरायली मंत्री बैन गाविर ने युद्ध की धमकी दी है, हमें हिजबुल्ला के साथ युद्ध करना चाहिए, युद्ध शुरू नहीं किया तो उत्तरी इसराइल में मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मिडिल ईस्ट में और भड़केगा युद्ध, बड़ी खबर, इसराइल और लेबनान में युद्ध होगा, जनवरी के अंत में होगा युद्ध इसराइल और हिजबुल्ला के बीच, गाजा से लेबनान की तरफ मूवमेंट की तस्वीरें एक बार फिर से भी आपको दिखाएंगे, जहां इजरायली सेना की यह मूवमेंट नजर आई है, और वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको देखते हुए बड़े दावे किए हैं।
युद्ध के इस हालात के बीच ये बड़े संकेत, जहां इसराइल और लेबनन में युद्ध पक्का, क्योंकि जनवरी के अंत में इसराइल हिजबुल्ला के बीच युद्ध होगा ये दावा किया जा रहा है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर इसराइल की जबरदस्त तैयारी को लेकर बड़े दावे, दक्षिण लेबनन बॉर्डर पर जमा हो रही इसराइली सेना की मूवमेंट को लेकर तस्वीरें सामने आई, जहां गाजा से लेबनन की तरफ IDF मूवमेंट कर रही है और लंबे वक्त से हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है। इसराइल लेबनान युद्ध टालने में लगा हुआ है अमेरिका, और वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं अमेरिका, विनोद सर ये सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका ने शुरू से इसराइल को युद्ध को और ज्यादा इग्नाइट होने से बचने की सलाह दी है, लेकिन इस हालात में इसराइल ने अमेरिका की भी नहीं मानी है, तो क्या ये दावा एक और बड़ा संकेत दे रहा है जहां इसराइल और लेबनान में जनवरी के अंत में युद्ध की बात कही जा रही है? देखिए, ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैं और जनरल साहब पिछले एक साल से बात कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे के बिना इसराइल एक कोली भी इधर उधर नहीं कर सकता है। अमेरिका दुनिया को कुछ और कहता है और करता पीछे बैकडोर में कुछ और करता है। जब तक ये गाजा स्ट्रिप का, गाजा और फिलिस्तीनी मामले का और हमास का कोई परमानेंट इलाज ना हो जाए, आप और मैं ये भूल जाए और दुनिया ये भूल जाए कि इसराइल इस युद्ध से पीछे हटेगा, बिल्कुल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल ही एक क्या बोलते हैं, एक पाइप ड्रीम है और पाइप ड्रीम ही रहेगा। और रही बात माल खाने की और या वेपन्स को बेचने की, वो MICC का काम है, जो सारे पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली ऑफिशियली पेट्रोनेज देता है। तो ऑफिशियली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी MICC को सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि उनके पैसे से ये लोग जीत करके आते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हाथी के दांत हैं, और इसका हमें, आपको और हमारे दर्शकों को, जो भी स्पीकिंग और TV9 के दर्शकों को, इस बात, इन बातों के बियॉन्ड पारदर्शिता से देखना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन इन हालात के बीच में जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है,